जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए जिस तरीके से अगर कहा जाए बेबस जिंदगी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, हर जगह से देखिए तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। बाढ़ की आगोश में कई गांव है, कई शहर है, फिलहाल की तस्वीर क्या बयां कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बलरामपुर में मौजूद हूं और मैं खुद इस वक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हूं। आप देख सकते हैं कि अब यहां तक पैर के ऊपर तक पानी आ चुका है और इस वक्त ठीक पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं ये बलरामपुर का प्राथमिक विद्यालय है, जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे इस वक्त पानी से डूबा हुआ है, पूरी तरीके से पानी से डूबा हुआ है, जिसके बाद करीब 15 दिन से ये स्कूल बंद भी बताया जा रहा है। स्थितियां काफी गंभीर हैं। दाहिनी तरफ भी आप देख सकते हैं कि लगभग सभी घरों में इस तरह की स्थिति है, जो बहुत सारे घर हैं जिनके जिनमें पानी आ चुका है उनको खाली भी करा लिया गया है। काफी ज्यादा जो है विपरीत परिस्थितियों में लोग यहाँ पर इस वक्त फिलहाल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहीं पर जो तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं वो खुद भी मौजूद है। कैसे क्या स्थिति है फिलहाल अभी यहाँ की? यहाँ की स्थिति साफ ऐसी है कि जो पानी जलमग्न है, पूरा गांव में पूरा भरा हुआ, घर घर में पानी है और स्कूल भी पानी भर गया है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, लगभग 15 दिन से बंद है स्कूल यहाँ पे। और यहाँ पे देख ही रहे हो आप लोग कि कितना जंगल है और जंगल में सांप भी आ गए हैं, इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। और हम लोग को खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो रही है, मगर हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं उसको। कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं साहब। और क्या बताया, कितने दिन से बंद है स्कूल? लगभग ये 15 दिन से स्कूल बंद है। 15 हाँ, यही बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति क्या है। ठीक वहीं मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए कि ये बिजली का खंभा भी इसके बीच में है, जो कि कहीं ना कहीं आप समझिए कि अगर इस बिजली के खंभे से बिजली इस पानी में उतरती है तो बहुत सारे घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। तो फिलहाल तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में बाढ़ का कहर बलरामपुर में स्कूलों पर दिख रहा है, लोगों के घरों पर दिख रहा है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में लोग किसी तरह अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं, संघर्ष अपना कर रहे हैं। और फिलहाल अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो दावा तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ फिलहाल उतना बेहतर जमीन परिस्थितियां नहीं दिख रही। शुभम, लेकिन इसके साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री की भी नजर इस पर है और मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरीके से बाढ़ का तांडव जारी है और लगातार देखिए शहर के शहर, गांव के गांव इस बीच फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा जब टीम लेने के लिए पहुंची थी तो किस तरीके से धरातल पर स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।